एकादशी। एकादशी का बहुत महत्व है सनातन में। पूज्य बापू जी एकादशी के बारे में एक वैज्ञानिक रहस्य बताते हुए कहते हैं, संत डोगरे जी महाराज बोलते थे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो खाता है समझो वह एक एक चावल का दाना खाते समय एक एक कीड़ा खाने का पाप करता है। संत की वाणी में हमारी मति गति नहीं हो तब भी कुछ सच्चाई तो होगी। मेरे मन में हुआ कि इस प्रकार कैसे हानि होती होगी, क्या होता होगा। तो शास्त्रों से इस संशय का समाधान मेरे को मिला कि प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक वातावरण में से हमारे शरीर में से जलीय अंश का शोषण होता है। भूख ज्यादा लगती है और अष्टमी से लेकर पूनम या अमावस्या तक जलीय अंश शरीर में बढ़ता है। भूख कम होने लगती है, चावल पैदा होने और चावल बनाने में खूब पानी लगता है। चावल खाने के बाद भी जलीय अंश ज्यादा उपयोग में आता है। जल के मध्य भाग से रक्त एवं सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है। सभी जल तथा जलीय पदार्थों पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ने से रक्त व प्राण की गति पर चंद्रमा की गति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः यदि एकादशी को जलीय अंश की अधिकता वाले पदार्थ जैसे चावल आदि खाएंगे तो चंद्रमा के कुप्रभाव से हमारे स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कीड़े मरे या कुछ अशुद्ध खाया तो मन विक्षिप्त तो होता है, ऐसे ही एकादशी के दिन चावल खाने से भी मन का विक्षेप बढ़ता है। तो अब यह वैज्ञानिक समाधान मिला है कि अष्टमी के बाद जलीय अंश आंदोलित होता है और इतना आंदोलित होता है कि आप समुद्र के नजदीक 150-200 किलोमीटर तक के क्षेत्र के पेड़ पौधों को अगर उन दिनों में काटते हो तो उनको रोग लग जाता है। संशय और समाधान हो गया। इस तरह से एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। यह प्रसंग श्री प्रहलाद जी पारिक द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसको हमने स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारिक, जवान भाई, जवान भाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय सनातन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वंदन नमन।